नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कमलेश त्रिपाठी और अविनाश भोजपुरिया चैनल आप लोग देख रहे हैं। जो लोग पर्दे पर आपको हंसाते हैं अपने जोक्स के जरिए, अपने एक्ट के जरिए आपको गुदगुदाते हैं और आपको खुशियां देते हैं दो पल के लिए ही सही, ऐसे कॉमेडियन कलाकार आखिर पर्दे के बाद कैसे होते हैं, पर्दे के पीछे की उनकी जिंदगी कैसी होती है, यह सवाल आपने कई बार जरूर सोचा होगा। और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम एक ऐसे ही कलाकार कॉमेडियन मटरू जी के साथ हैं। रोहित सिंह मटरू, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो त्रिपाठी बाबा आपको रोगा के गोर लागे था कि प्रणाम। थैंक यू। बस बहुत बढ़िया रोगा देखा था नहीं, टक टक। तो ये मटरू जी हैं जिन्हें भोजपुरिया मौसा के नाम से भी जाना जाता है। खेसारी लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, तमाम कलाकारों के साथ आपने इन्हें अलग अलग कॉमेडी कैरेक्टर्स में कई बार देखा होगा और इनके जोक्स पर आप हंसे भी होंगे। मटरू भैया जी, भैया आप अपने शब्दों में जरा बताएं कि आप किसके किसके साथ कौन कौन सी फिल्में कर चुके हैं और कितनी फिल्में अब तक कर चुके हैं भोजपुरी में? भैया मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, अपना चिंटू, कल्लू, मतलब ऐसा कोई हीरो नहीं है जिसके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया। जी, तो भोजपुरी में लगभग सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है। उस जमाने से काम कर रहे हैं जब मनोज तिवारी एक्टिव थे और वो खुद फिल्में करते थे। रवि जी भी, रवि किशन जी, जी। उसके बाद दौर आया निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल, अरविंद अकेला कल्लू और चिंटू पांडे जैसे कलाकारों का। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी फिल्में किस किस कलाकार के साथ की है। मटरू भैया, क्या एक्सपीरियंस था भोजपुरी सिनेमा के बारे में अगर एक लाइन में मैं कहूं? इतनी फिल्में करने के बाद आपको बहुत ज्यादा मशहूरियत मिली होगी, बड़े मशहूर हुए होंगे और बहुत ज्यादा पैसे भी मिले होंगे। मैं समझ नहीं पाया भाई, इस हंसी के पीछे छिपे व्यंग का मतलब समझ नहीं पाया। आपने दो क्वेश्चन किए जी। आपने कहा कि बहुत प्रसिद्धि मिली होगी जी और बहुत पैसे भी मिले होंगे क्योंकि इतनी फिल्में आपने की हैं। हाँ, फिल्में तो बहुत की त्रिपाठी जी, लेकिन जितने फिल्में की उतना पैसा नहीं मिला। क्यों पता नहीं, बट ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि भोजपुरी फिल्मों में अब तो कुछ लोग गिने चुने कुछ लोग उंगली पे हैं, वो तो जो होना चाहिए एक कलाकार का पेमेंट और जो रेवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो मेरा हिसाब से होना चाहिए, कुछ लोग देते हैं जिनमें हैं दो चार प्रोडक्शन हाउसेज हैं और दो चार प्रोड्यूसर्स हैं जिन जो देते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं और करना भी पड़ता है काम, क्योंकि अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप बिजी हैं तो आपको सब पूछेगा, आपके पास काम नहीं है कोई नहीं पूछेगा। मटरू भैया, आप तो कलाकार हैं, बड़े फेमस कलाकार हैं, आप तो बहुत सारी आपने फिल्में की हैं, इतने साल से किए होंगे तो आपको जाहिर है, साफ है कि एक फिल्म के लिए लाखों रुपए मिलते होंगे, फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? लाखों सिर्फ हीरो को मिलते हैं। अच्छा, अपने इंडस्ट्री में और लाखों से थोड़ा सा नीचे हीरोइंस को मिलते हैं, और लाखों खो में थोड़ा सा खो में विलन्स आते हैं, लाख में कॉमेडियंस आ जाते हैं। अच्छा, तो मेहनत तो सबके मेरे हिसाब से देखिए उनके साथ, ऐसा कहा जाता है कि हीरो के बदौलत अपनी भोजपुरी फिल्में चलती हैं जैसा लोग बोलते हैं, ये मेरा मानना नहीं है, मेरा भी मानना नहीं है। हाँ, ये एक्टरों से फिल्में चलती हैं। हाँ, अभी तो पूरी टीम से फिल्म चलती है, अच्छी टीम, एक अच्छे पैकेज से फिल्म चलती है। उसमें योगदान है स्पॉट बॉय का, लाइट मैन का, कैमरामैन का, एडिटर का, डबिंग साउंड रिकॉर्डिस्ट का, सब किसी का होता है और तब जाके फिल्म बनती है, तब जाके दर्शकों को अच्छा लगता है। एक हीरो जितना भी नाम वाला हो, सिर्फ हीरो तीन घंटे तक करके और हिट करवा के दिखा दे, मैं मान जाऊं। मैं समझता हूं सेट पर जो चाय पिलाता है लड़का स्पॉट बॉय का, उसका भी योगदान बहुत होता है और उसकी भी बड़ी मेहनत होती है। भोजपुरी में कहा यह जाता है कि बड़ा बजट जो है 60% से भी ज्यादा कई बार हीरो के पास चला जाता है, उसके बाद कुछ जो बचता है वो हीरोइनों के पास चला जाता है और 30% के आसपास का जो बजट होता है उसमें प्रोडक्शन होता है, उसी में बाकी सारे कलाकार होते हैं। ये मैंने सुना, ये बात सही है? सच्चाई है, तो पूरी दुनिया जानती है आपसे कौन, मतलब आप मीडिया वालों से कोई चीज छुपी है लेकिन बोलते नहीं है लोग, और मैं तो बिंदास आदमी हूँ बोलने में, क्योंकि है, अगर है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पैसे दिलवा के दिखा दे,
कि नहीं भैया वो 60% मैं नहीं लेता हूँ, 60% में ये लोग लेते हैं और प्रूफ कर दे। तो जब इतने कम पैसे मिलते हैं मटरू जी, जिसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से शायद हो सके या बहुत ज्यादा बचत ना हो। नहीं, बचत नहीं होता है, गुजारा मुश्किल से नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि इतना कम देते हैं लोग कि गुजारा नहीं हो। हाँ। गुजारा से बेहतर है क्योंकि आदमी सर्वाइव कर रहा है और इस इंडस्ट्री में टिका हुआ है तो निश्चित तौर पर पैसे तो मिलते होंगे। लेकिन जो मिलना चाहिए, मैं सिर्फ कॉमेडियंस की बात नहीं कर रहा, हमारे जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट है मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ, उतना उनको नहीं मिलता है और ये गलत है। थोड़ा सा सोचना चाहिए प्रोड्यूसर्स लोगों को, जो बाकी दो चार मैंने बोला दो चार लोग हैं जो देते हैं उनके जैसा हो जाना चाहिए। तो फिर किसी और फिल्म किसी और इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करते, बॉलीवुड में या बहुत सारी है तमिल फिल्में हैं, बांग्ला फिल्में, उनमें क्यों नहीं जाते? किया है सर, किया है सर, मैंने दो हिंदी फिल्में की हैं, एक क्रिकेट किया है जिसमें हमारे जोगिंदर सिंह योगी जी डायरेक्टर थे, और एक फिल्म किया था मैंने काशी दसर चौगंगा श्रवण जोशी। हाँ, तो हिंदी फिल्में करता रहता हूँ, सीरियल्स करता रहता हूँ, अभी मेरा एक डीडी किसान पे एक सीरियल चल रहा है गांव हंटर बाबू का, तो वो नहीं करूँगा तब तो हो गया वो तो करना है। वो पैसे के लिए हिंदी वाले से सीखना चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए हिंदी वालों से सीखना चाहिए, बट अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और पैसे, बस सिर्फ पैसे, बाकी हर चीज़ अच्छा है। देखिए आज आप मेरा साक्षात्कार जो कर रहे हैं वो वैनिटी वैन में कर रहे हैं, वैनिटी वैन में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा कैमरा मैन साहब को बोलूँगा जरा दिखाइए इस साइड जी, जहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा सा, इसलिए हम लोग का ये आरामगाह है, आराम करने का जगह है जहाँ हम लोग बैठते हैं, यहाँ मेकअप लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है। तो साधन तो है, और साधन इसलिए भी है कि कुछ लोग ऐसे नहीं कि सब लोग बुरे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग काम जो कर जो सब लोग ही हैं, कुछ लोग हैं तो उनसे हो सकता, कभी कभी मैं फिल्में छोड़ भी देता हूँ कि नहीं मैं इतने में नहीं करूँगा, और मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी हैं पैसे के लिए। जी यही हाल कमोबेश ज़्यादातर लोगों का है या अकेले मटरू की ये कहानी है? नहीं सर, सब लोगों का है। अब देखिए अब सब लोगों का, क्योंकि मेरा मुझे लगता है कि मेरा जो मिल रहा है वो मेरे हिसाब से सही है तो मैं कर लेता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, तो अच्छा लगता है। बट मैं हिंदी कर रहा हूँ भोजपुरी, और नाम मान सम्मान भोजपुरी ने दिया है तो इस चीज़ को मैं भूल नहीं सकता हूँ, उसके लिए भोजपुरी दर्शक, भोजपुरी समाज और भोजपुरी बनाने वाले निर्माता निर्देशक सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसमें हीरो भी हैं, हीरोइनें भी हैं, हमारे तमाम टेक्नीशियंस भी हैं, उसमें हमारे स्पॉट बॉय हैं, लाइट मैन हैं, कैमरा मैन हैं, सब लोग हैं। तो अगर पैसे मान लीजिए कि कम मिलते हैं, आपने कहा कि भाई पैसे लेने के मामले में, पैसे मिलने के मामले में बॉलीवुड से हिंदी से थोड़ा सीखना चाहिए भोजपुरी वालों, बिल्कुल सीखना चाहिए, ये बात आपने कही। हर चीज बराबर पर है भाई, हिंदी जैसा ट्रीटमेंट, हिंदी का ही कैमरा, जो कैमरा से हिंदी फिल्में बनती हैं, जो कैमरामैन हिंदी में होते हैं वो, वैसे मैंने एक दो फिल्में जो की उसमें कैमरामैन हमारे इंडस्ट्री के भी थे, तो जब सब कुछ सिमिलर है तो पैसे में सिमिलरिटी क्यों नहीं करते हैं भाई। मैंने ये सुना था बटरू साहब की एक जमाने में महमूद साहब जो थे, जी जी, महमूद साहब को उस जमाने के सुपरस्टार से भी ज्यादा फीस मिलती थी, ज्यादा पैसे मिलते थे उस जमाने के सुपरस्टार से भी ज्यादा उन्हें फीस मिलती थी, और उसके बाद भी उनकी डेट्स की बड़ी मुश्किल होते थे उनके डेट्स मिलना। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी ये बात पढ़ी है। तो जब बॉलीवुड में एक सुपरस्टार से ज्यादा एक कॉमेडियन को पैसे मिल सकते हैं तो फिर भोजपुरी में क्यों नहीं हो सकता ये? आज सर आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए सर, लेकिन अभी तो मुझे बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अब अलग अलग लोगों के साथ आपने फिल्में की हैं, अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ आपने फिल्में की हैं, आपने हिंदी की भी फिल्में की हैं जी। हिंदी और भोजपुरी में काम करने का जो तरीका है, पैसे को छोड़कर कुछ और अलग है? सब बहुत अलग है, हर चीज अलग है। जैसे आप अगर कुछ लोगों जैसे मैंने क्या बोला, बहुत कुछ हम लोग हिंदी इंडस्ट्री से सीख लिए हैं और बहुत कुछ सिमिलरिटी आ गई है। बट सर आप एक बार, जब मैं अभी भगवान ने चाहा तो जब हिंदी फिल्म मैं करूँगा उस सेट पे एक बार आइए, और अभी भोजपुरी में तो आप हमेशा आते रहते हैं, मैं स्पेशली दिखाना चाहता हूँ कैमरा के द्वारा दर्शकों, क्योंकि बताऊँगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे और मुझे बोलना भी नहीं है, बहुत अंतर है सर। हमारी फिल्में 60-70 लाख 1 करोड़ के अंदर बन जाती है, उसका बजट होता है 100 करोड़, 75 लाख, 25 करोड़, 50 करोड़, जैसा मतलब बजट, तो उस हिसाब से तो जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा।
हम लोगों का उतना रिकवरी नहीं है शायद, तो इसमें है तो ट्रीटमेंट वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। अच्छा, ये भी होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनमें लोग पर्टिकुलर स्टार्स ही काम करते हैं, भोजपुरी में ये बातें भी बहुत कही जाती हैं, आपका आपको इस बारे में क्या कहना है, सही में ऐसा कुछ है? ग्रुपिज्म, अगर देखिए ग्रुपिज्म जैसे आप खुल के बात कीजिए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रुपिज्म क्या, जैसे क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब अलग अलग लोगों के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अलग अलग लॉबी में अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है, ये इनकी लॉबी है, इनकी लॉबी है, इस लॉबी के लोगों को इसी लॉबी में काम मिलेगा, इस ग्रुप के लोगों को इस ग्रुप में काम मिलेगा, ये सही है? हाँ है, लेकिन मैं उसको लॉबी का नाम नहीं देता हूँ। अच्छा, देखिए लॉबी मतलब हुआ कि सिर्फ मेरे ही ग्रुप्स के काम करें, बाकी लोग इंटर ना करें। अगर लॉबी होता तो आज कुछ लोग ही काम कर पाते है या नहीं है, मेरे को सीधा सर दोस्ती को लॉबी मत बोलिए सर, हो सकता है मेरे कुछ दोस्ती पर्सनल चीज होती है, साथ काम करना प्रोफेशनल फ्रंट होता है, तो लॉबी तो उस हिसाब से तो लॉबी है, लॉबी है। कभी इसके शिकार आप हुए हैं? पता नहीं चला, बट कुछ महसूस हुआ, मुझे उतना समझ में नहीं आया, बट हुआ होगा शायद। कभी इस वजह से कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ काम करने के लिए आपको फिल्में छोड़नी पड़ी हैं? लॉबी की वजह से नहीं, फिल्में छोड़नी पड़ी है मुझे, क्योंकि मुझे लॉबी बीच में नहीं आया, एक पर्टिकुलर एक आदमी का नाम आया। अच्छा। जो वो नहीं चाहते हैं कि आप रहे, तो प्लीज मेट्रो सॉरी, हम लोग नेक्स्ट फिल्म करेंगे जब वो नहीं रहेगा। हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, वो शख्स इतना ताकतवर था जिसके कहने से आपको फिल्म से निकाला गया? सर ताकतवर था तभी तो मैं नहीं कर पाया, और प्रोड्यूसर भी बेचारा मतलब मजबूर हो गया। तो नाम लीजिए, बताइए कौन था जिसकी वजह से आपको फिल्म से बाहर निकलना पड़ा? वो क्या दिखा लेगा, वो उसकी क्या औकात है, सामने बोलता तो मजा आता। प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा, तो उनका नाम इसलिए भी नहीं बोलूंगा, वो जब मैंने एक बार पूछा भी सामने से कि अगर तुम्हारी इतनी औकात थी और इतनी हिम्मत थी तो सामने आके फरियाद करते, बोलते कि तुमको नहीं चाहता हूँ, तो बेटा बेटा का कसम वसम खाने लगा। तो मैंने कहा चलो जब कसम ही खा लिया तो बात खत्म, या तो प्रोड्यूसर साहब झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे। क्यों, आपके अभिनय में कोई कमी थी? उसको लगता होगा, या ये भी हो सकता है कि मैं उससे ज्यादा अच्छा अभिनय करता हूँ। उसको शायद ये डर रही होगी, इनसिक्योरिटी फील हुई होगी एक फ्रेम में। हाँ, एक फ्रेम में नहीं, बहुत सारे फ्रेम में लगा होगा, तभी तो किया होगा ऐसा। जब हम दोनों एक फ्रेम में होंगे तो ऐसा ना हो कि सामने वाला नौ पे दस पड़ जाए। होता है वही हुआ होगा, क्योंकि लॉबी या लॉबी भी हो सकता है सर, लॉबी भी हो सकती है। इससे पार पाने का कोई तरीका है? पार पाने का तरीका अब आ गया है। क्या? अब जितनी भी फिल्में बन रही है उसमें अब एक्टरों की जरूरत होती है, और एक्टरों को ही लोग रख रहे हैं। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं अपने आप को कैसे जज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे नहीं मालूम, वो दर्शक बताएंगे या डायरेक्टर हमारे जो मेरे साथ काम करते हैं उनकी नज़र में मैं एक्टर हूँ कि नहीं वो बता सकते हैं। लेकिन अब एक्टरों की स्थिति आ गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जितनी भी फिल्में बन रही है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि स्टार लोग काम कर रहे हैं। अभी जितनी भी फिल्में बन रही, मैंने दो तीन अभी चार पाँच किया, जैसे अभी अमरीश जी के साथ जो अभी जो फिल्म कर रहा हूँ, ये स्टार है। हाँ, ये स्टार नहीं है, ये नया है, और मैं इसके साथ कर रहा हूँ। अभी एक फिल्म किया मैंने दूल्हा टू, अभी थोड़ा इसी लोकेशन पे किया था अभी से 25 दिन पहले, तो उसमें आदित्य मोहन था, वो भी नया है, और एक्टिंग में कहीं से कम नहीं है कोई, भाई सब बाप है, सब बाप है, सब परफॉर्मर है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस वालों को ही काम मिलेगा, जो परफॉर्म कर सकें, जो एक्टर होंगे सही मामले में वही कर पाएंगे, बाकी तो जय हो भोजपुरिया समाज। जी, मतलब जो जी हुजूरी के बल पर काम पाने की आकांक्षाएं रखते हैं, इरादे रखते हैं, उनके लिए आने वाले दिन थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज जी हुजूरी से कितना दिन तक आप जी हुजूरी करके करेंगे? आज एक मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, बाकी फिर तो लोग धीरे धीरे जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप नहीं रह पाएंगे। सेट पर भी आप होते हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, इन सबके साथ आपने काम किया आप जी, काफी कहानियां किस्से भी होंगे आपके उनके साथ, कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें होंगी, शूट करने के दौरान कुछ बातें होंगी, कोई दिलचस्प किस्सा किसी इनमें से किसी के बारे में सुनाइए जो बड़ा मजा आया हो, कोई ऐसी चीज हुई हो? नहीं, हम लोग जब एक दिनेश जी के साथ मैंने एक ही फिल्म की है, वो था हो गया प्यार होने वाले से, और उन दिनों दिनेश जी नए नए इंडस्ट्री में आए थे और इतना मजा करते थे ना हम लोग, जुहू पे हम लोग फाइट सीखने जाते थे, लोग जी उसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो उस वक्त इतना मस्ती होता था ना, दिनेश जी बिंदास थे और उनका उस समय गाना हिट था निरहुआ सटल रहे, तो और हमें बहुत एकदम नया था, मेरी दूसरी फिल्म थी,
तो दिनेश जी को जितने भी वहाँ जो सामान वान बेचते हैं वो लोग आके अरे निरहुआ निरहुआ सेटल रहे निरहुआ सेटल रहे। तो समय जो मस्ती दिनेश जी करते थे, ऐसा नहीं कि कोई स्टारडम, वो सबसे मिलते थे, सब कुछ करते थे। वही हालत खेसारी जी का भी है। ये आदमी मन का बहुत अच्छा है, बिंदास काम करता है, कॉमेडी करता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है। और मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा पटा रवि किशन के साथ। वो आदमी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बहुत अच्छा ह्यूमन बींग है और बहुत अच्छा इंसान है। उस वो उसको एक्टरों की कद्र होती थी। मेरे लिए वो एक जगह पे उन्होंने झगड़ा कर लिया था और ज़बरदस्ती उन्होंने फिल्म दिलवाई मुझे कि नहीं ये रोल में मटरू करेगा। और जो मेरी पहली फिल्म थी राजा भोजपुरिया, उसमें उन्होंने पहली बार वो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि सीरियल्स करता था मैं और मुझे वो पहली फिल्म मिली थी। तो उसमें रवि जी ने कहा कि कहाँ क्या करते हो, क्या करते हो बाबू? हमने सर आपके साथ काम कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं करते क्या थे, थिएटर करते थे। हमने कहा हाँ भैया बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत आगे जाओगे, शायद उनका आशीर्वाद लगा हो महादेव का। और मेहनत, हाँ और मेहनत जी, मेहनत तो होता ही है भैया। तो ये किस्सा आपने सुनाया जी। आपने हमारे मित्र सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया, उनके बारे में कोई किस्सा बताइए। पवन जी के साथ मैंने दो फिल्में की हैं, एक गठबंधन प्यार का और एक विरासत, कर्ज विरासत का। तो पवन जी के साथ उतना इंटीमेट में नहीं कभी हुआ और उतनी दोस्ती नहीं थी हम लोगों के बीच, लेकिन वो अच्छे इंसान है। मेरे साथ जब भी मिले एक भाई की तरह मिले, एक मस्ती में मूड में, और मैं भी भाई की तरह रहा क्योंकि हम लोग एक जगह से हैं, आरा से हैं वो, मैं पटना से हूँ, मेरा घर पटना शहर में पड़ता है। तो पहले मैं उनके एल्बम्स में मैं मॉडल हुआ करता था, मतलब बहुत पतला था, वो गाते थे और मैं उस पे एक्ट करता था। अच्छा, आप पतले भी थे? अरे सर मत याद ही नहीं, रुला ही आता है। ऐसा लगता है दुखी रख पे हाथ रख दिया मैंने। अरे लगता था कि अभी विकास मैं थोड़ा पतला हो जाता, मजा आ जाता। अच्छा। लेकिन एक कहानी है, मैं उस हीरो का नाम नहीं बताऊंगा जी। शुरुआती दौर में मैंने 3-4-5 फिल्में मैंने कर लिया हुआ था, तो एक नया हीरो था, वो मुझे बोला कि ये कॉमेडी में नहीं रहा। उसमें बहुत बहुत पतला, आप मेरी शुरुआती दौर की फिल्में देखेंगे ना, ठीक है, मैं पतला दुबला हुआ करता था। तो मैं प्रोड्यूसर ने पूछा क्यों, बोला ये पतला है और स्मार्ट दिखता है, दिखते होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने आप को कभी स्मार्ट माना ही नहीं, तो इसको मत रखो। प्रोड्यूसर बोला तुमको निकाल देंगे लेकिन इसको रखेंगे। और वो फिल्म से वो हीरो निकल गया था और मैं था, वो नया वो फिल्म नहीं चली ज्यादा और वो हीरो हट गया, दूसरे हीरो को लेकर उन्होंने काम किया। तो ऐसे लोग अगर हो जाए ना, ओ तेरा माँ का साकिना का मीरा रोड भयंदर, और जो प्रोड्यूसर टकराएगा वो सीधा जाएगा जेल के अंदर। अच्छा, तो इतना आपके लिए लोगों ने स्टैंड लिया, फिर भी आप कहते हैं कि भोजपुरी में लॉबी पावरफुल है। मैंने ये मैंने कहा एक घटना। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा लॉबी का शिकार हुआ हूँ। अच्छा। एक उसको लॉबी कहिए, उसको हो सकता है जो आदमी नहीं चाह रहा हो वो एक्टिंग की वजह से भी हो सकता है, या मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो सकता है मेरी बदमाशियों से वो टेंशन में हो, ठीक, तो मेरी भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं उसमें दोषारोपण कर रहा हूँ। हो सकता है वो आदमी मेरे से जो मैं मेरा मस्ती मटरू मतलब मस्ती उसको अच्छा नहीं लगता हो। बहुत लोग होते हैं जैसे रिजर्व रहना पसंद करते हैं। एक वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फ्लाइट से पटना से बॉम्बे आ रहा था, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं विंडो सीट पर बैठूं। एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे और बहुत, और मेरी आदत है मैं बिना बात किए रह नहीं सकता। अब मैं जब उनको कहूँ हेलो सर, तो एक इंस्टॉलमेंट में हंसी वाला देख के फिर चुप, मैं फॉर्मेलिटी के लिए। और बगल में मेरी एक महिला थी बैठी हुई, तो उनसे तो बात नहीं कर सकता था क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता है। तो जेंट्स बात करते जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो सफर कट जाता है। अब मुझे लगा क्या करूं यार, इस आदमी से तो हमसे बात नहीं कर रहा है। मेरे मन में एक बदमाशी घुसी, मैंने कह दिया या भगवान फ्लाइट को उड़ा दीजिए, हम लोग सब लोग मर जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। वो बंदा कुछ नहीं बोला, सीधा बेल बजाया एयर होस्टेस आई, इंग्लिश में उन्होंने कहा कि मेरा सीट चेंज करवा दीजिए। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो ये आदमी बोल रहा है ब्लास्ट हो जाए उड़ जाए। हमने कहा मैं ऐसा नहीं कहा, हम आपसे पूछे कि अगर उड़ जाए तो हम लोग सब मर जाएंगे ना, ये हमको डर से पूछे। वो आदमी भाग गया और मैं उस पे जाके बैठ गया आराम से बॉम्बे से आ गया। और फिर वो मोहतरमा जी जो थी वो मैडम, वो हमसे बात करते आ गई, बॉम्बे तक हम लोग पहुंच गए। तो ये सिर्फ सफर के लिए बदमाशी किया था। अच्छा। तो उनको तो मैं उनके नजर में तो हिरन हो गया था।
तो ये चीजें हैं। चलिए मटरू भाई, आपने बहुत सारी बातें कही, और वो किस्सा आपने सुना कि आखिर रोहित सिंह मटरू ने प्लेन की जो विंडो सीट थी उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ किया। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं उनका दिल दुखाया हूँ, आज भी गिल्टी फील करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सज्जन पुरुष थे, थोड़ा सा इंग्लिश टाइप के थे, हाय हेलो उस टूर्नामेंट में। तो लेकिन भारी तो भोजपुरिया वाला ही पड़ा ना, वो तो पड़ेगा सर, हमारा भोजपुरिया ही भारी पड़ा ना। और मैं हाँ उनको हटा दिया, और सवाल तो क्या आगे का कहानी सुनिए। मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं निकला तो सबसे पिछला सीट पर बैठ कर वो आदमी मुझे ऐसे घूर रहा था सर, जैसे उसका बस चले तो मेरा खून कर दे। लेकिन तब तक तो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, आपने सारी बातचीत की, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ गुदगुदाने वाली बातें आपने की, इनके लिए थैंक यू सो मच। और जो ऑडियंस हमें देख रही है, जिन्होंने इंटरव्यू देखा, उनसे यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा मटरू को आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए, आप स्नेह के लिए। जरूर इस इंटरव्यू में बताइएगा कि भाई कैसा लगा। शेयर के साथ साथ लाइक कीजिएगा, और वो घंटी जो होता है वो भी दबा दीजिएगा कि आगे इनका जो वीडियो, सिर्फ मटरू थोड़ी है इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे एक से एक लोग पड़े हैं, उनके इंटरव्यूज देखने के लिए आपको घंटी बजाना दबाना पड़ेगा। तो नया इंटरव्यू लगाएंगे तो घंटी टंटना जाएगा, आपके पास वो मैसेज चला जाएगा कि भाई अब एक नया वीडियो आया है, ऐसे ही गुदगुदाते रहेंगे हमारे भैया। तो बस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा शेयर कीजिए, और बटन जरूर दबाइएगा लाल वाला। तो सब कुछ इन्होंने बोल दिया, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, जैसा कहा है भैया वैसा ही कर दीजिए। थैंक यू सो मच। शैलेश रॉबिन के साथ आनंद कम्युनिकेशन पार्टी, बिंदास भोजपुरिया, मुंबई।